नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, बिहार के भागलपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर एक निर्माणाधीन पुल जो है वो गिरा है। 4 साल पहले ही नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में गिरा है निर्माणाधीन पुल, ये जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 4 साल पहले नीतीश कुमार ने शिलान्यास इसका किया था और 2 साल पहले भी पुल का एक हिस्सा जो है वो ध्वस्त हुआ था। ये भी खबरें आई थी, उस समय भी काफी सवाल उठे थे बिहार के भागलपुर में। अब ये निर्माणाधीन जो पुल है वो गंगा में गिरता हुआ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। 4 साल पहले इसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया था, इसका एक हिस्सा पहले ही गिर चुका था और फिर से जब इसका निर्माण प्रोसेस चल रहा था तो एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई भागलपुर से, जहां गंगा नदी में निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया है। अडवाणी और सुल्तानगंज के बीच आपको बता दें ये पुल बन रहा था, 1717 करोड़ की लागत से ये पुल जिसका निर्माण हो रहा था भागलपुर में, लेकिन उसी वक्त जब ये निर्माणाधीन कार्य चल रहा था पुल का ये हिस्सा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो जलमग्न एक तरीके से हो गया। 1717 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था, लेकिन ये सारा पैसा आप देखें किस तरह से पानी में बह गया, आपका और हमारा पैसा। 4 साल पहले ही नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था, इससे पहले भी एक हिस्सा इसका पानी में गिर गया था, फिर से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें भागलपुर से, जहां पर आप देखते कि पुल जो निर्माण हो रहा था बन रहा था, वजन ना संभाल पाने की वजह से बताया जा रहा है कि ये गंगा नदी में जा गिरा है। कुमार पर, उनकी सरकार पर, प्रशासन पर, जो इसका निर्माण करा रहे उन पर उठा, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए एक बार फिर से प्रयास इस पुल को बनाने का हुआ। 1717 करोड़ की लागत से जो पुल बनाने का काम चल रहा था उसके बाद एक बार फिर से इतना हिस्सा देखिए बना था वो फिर से पानी में गिर गया, पानी में एक तरीके से डूब गया। और ये सिर्फ पुल नहीं, ये 1717 करोड़ रुपए ये भी पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा नदी में निर्माणाधीन जो पुल है वो गिर गया। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बिहार की, बिहार के भागलपुर की, और 4 साल पहले नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। उम्मीद जताई गई थी कि ये पुल आपके लिए सुगम होगा, इससे रास्ता आसान होगा, आवाजाही आसान होगी, लेकिन ये अभी तक बनकर ही पूरा नहीं हो पाया। एक हिस्सा पहले गिर चुका था और अब ये हिस्सा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये भी जलमग्न सा हो गया। देखो, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए थे कि इस साल नवंबर या दिसंबर में इसका हम लोग शुभारंभ करवाएंगे, उद्घाटन होना था, लेकिन किन कारणों से ऐसा ऐसी घटना घटी है तो जांच की बात है, टेक्निकल बात है, इसमें एक्सपर्ट से जांच होगी और पूर्ण जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे। इसमें इस तरह सर लगातार सर पुल गिरना है, पहले भी हादसा हुआ था, आपने भी निरीक्षण और जांच किया है और दोबारा ये घटना हो रहा है, तो मजदूर वहाँ पे नहीं थे तो बड़ा हादसा हो सकता, तो मजदूर की भी मौत हो सकती थी, तो इस पे क्या कहेंगे सर? हम इसमें कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच जब तक नहीं होती, देखिए हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है इसमें, जो है दो सवाल हम पूछे उसका जांच कराया जाए एक्सपर्ट टीम से, चाहे ऐसा हुआ है। तो ऐसे लिस्टेड पुल को क्या बैंड लगना चाहिए, क्या कहेंगे सर? इस पर अभी हम क्या प्रतिक्रिया दें, इस पर प्रतिक्रिया तो हमारे जो बिहार से एक्सपर्ट आएंगे देंगे और इस पर प्रतिक्रिया देंगे, अभी हम अनजाने में कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सर हम ये पूछना चाहते हैं सर, जो 6-1 साल पहले जो पुल गिरा टूटा। स्वतंत्र सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वतंत्र सिंह, देखिए पहले भी इसका हिस्सा गिर गया था,
फिर इसका निर्माण काम शुरू हुआ। 1717 करोड़ की लागत से ये पुल निर्माण करा जा रहा था और ये सोचा जा रहा था जल्दी इसका उद्घाटन करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये हादसा और बड़ा भी हो सकता था अगर मजदूर वहां काम कर रहे होते। क्या प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की तरफ से दलील दी जा रही है? देखिए अर्पिता, इस संबंध में अभी प्रशासनिक स्तर पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जो है महासेतु भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। आपको बता दूं कि खगड़िया जिले के अगवानी और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर 4 लेन महासेतु का निर्माण हो रहा था और इसी दौरान जो है आज जो है इसका सुपर स्ट्रक्चर जो है पुल का बीच के भाग का सुपर स्ट्रक्चर जो है ध्वस्त होकर के गंगा नदी में समा गया है। हालांकि इसी पिलर के ध्वस्त होने की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन ऊपरी भाग का जो हिस्सा है वह नदी में समा गया है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इस पुल का एक भाग जो है वह टूट करके जो है नदी में समा गया था, तो कहीं न कहीं यह पुल जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि स्थानीय जो विधायक है डॉक्टर संजीव, इस पुल के गुणवत्ता पर उन्होंने सवाल उठाया था और उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर के सवाल भी किया था। बावजूद एसपी सिंगला जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और बदस्तूर जो है पुल का निर्माण जारी है और परिणाम यह हुआ कि आज इस पुल का बीच का भाग का जो है हिस्सा जो है ध्वस्त होकर के नदी में समा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में किस तरह की इंक्वायरी होती है। फिलहाल कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पुल का जो है 23 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पुल का जो है शिलान्यास किए थे और उन्होंने यहाँ की जनता को यह आश्वासन दिया था कि यह पुल जो है उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगी और लोगों को काफी फायदा होगा, लेकिन यह पुल चालू होने से पहले जो है आज जो है ध्वस्त हो गया है। अर्पिता ठीक है, आप रहिए जरा साथ, रोहित भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, ये कौन से नौसिखियों से पुल का निर्माण हो रहा था कि 1717 करोड़ रुपए आपके और हमारे आम जनता के पैसे इस तरह पानी में बह गए? और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हिस्सा एक पानी में गिरा बहा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ना तब हुआ। क्या हम उम्मीद अभी लगाएं कि कुछ कार्रवाई होगी या इंतजार होगा कि कुछ जाने जाएं उसके बाद कार्रवाई? बिल्कुल अर्पिता, बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल अप्रैल के महीने में बिहार में थोड़ा आंधी तूफान क्या आया, तेज हवाएं बहने लगी थी, तो उस दौरान ही उसकी वजह से पूरा का पूरा पुल जो है, जो निर्माणाधीन पुल है, वो गिर गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पुल जो है भ्रष्टाचार का पुल बन चुका है, कि तेज हवाएं और आंधी तूफान आ गया बिहार में थोड़ा सा, तो उसके कारण पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। और इसका जिक्र नितिन गडकरी जो मंत्री है केंद्र सरकार में, उन्होंने भी इसका एक तरीके से मजाक उड़ाया था पिछले साल, कि उन्हें पता चला कि आंधी तूफान में पुल गिर जाता है और नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ बना था कि कैसे बिहार में आंधी तूफान में पुल जो है वो ध्वस्त हो जाता है। फिर काम उस पुल पर फिर शुरू हुआ। अब दूसरी बार आज ये है इस पुल पे फिर से एक बार हमने देखा किस तरीके से 3 पाए जो है इस पुल के पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए और उसके बाद पूरा का पूरा पुल का जो बड़ा हिस्सा है तकरीबन 100 मीटर का वो किस तरीके से गंगा में समा रहा है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तो ये एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार जो है भ्रष्टाचार के भेंट जो है ये पुल जो है वो चढ़ गया है। और 2015 में ही इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 2019 में काम समाप्त होना था, लेकिन 4 साल बाद भी इसका काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ। समझा जा सकता है आखिर काम समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, जिस रफ्तार से सुस्त रफ्तार से पुल का निर्माण हो रहा है और खासकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है साफ तौर पर। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारकिशोर जी, हवा चल जाए आंधी आ जाए तो पुल गिर जाते हैं, अब एक बार फिर से निर्माण का कार्य चला 1717 करोड़ की लागत के साथ, एक बार फिर से सारे पैसे और ये पुल पानी में बह गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अगवानी पुल इस क्षेत्र के लिए काफी उसका महत्व था, लेकिन जिस प्रकार से इस पुल के निर्माण में लगातार ये दूसरी बार एक बड़ी घटना हो गई है, इससे बहुत साफ है कि इस पुल का निर्माण कार्य गुणवत्ता बिल्कुल नहीं हो रहा था। जो इससे जुड़े हुए जो अभियंता हैं कहीं न कहीं
वो जो संवेदक है उससे उसकी मिली भगत थी, ये परिस्थिति आई है। इतना उच्च स्तरीय पुल के निर्माण में इस प्रकार की घटना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो ही नहीं सकता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तारकिशोर जी, पिछली बार जब आंधी की वजह से पुल गिर गया था, यही पुल, तो कोई कार्रवाई की बात छोड़ दीजिए, इंक्वायरी भी बहुत सही ढंग से नहीं हुई और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार भी ये हिस्सा पानी में बह जाना और इतना लंबा समय लग जाना, लगातार इसका निर्माण फिर से होना, फिर टूट जाना, फिर निर्माण होना, जा रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं लोगों के, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही उन शख्स पर जिसकी वजह से आज ये इस तरीके की तस्वीरें आ रही हो या इस तरीके से हादसे हो रहे हो, उस पर क्या लगता है आपको? नीतीश सरकार जो है वो गंभीरता से नहीं सोच रही है, क्या उन्हें करना चाहिए? क्योंकि पिछली बार भी कोई एक्शन नहीं, इस बार भी उम्मीद कम है एक्शन की। जिन लोगों के हाथ में बिहार को बदलने की तस्वीर है वो राजनीतिक पर्यटन में है। स्वाभाविक है कि जब नेतृत्व उस राज्य से, राज्य के मुद्दों से अलग हो चुका हो तो स्वाभाविक है कि इस तरह की घटनाएं तो होनी है, और इसीलिए ये सारी परिस्थितियां बन रही है। राज्य के विकास पर किसी का ध्यान नहीं है, सब प्रधानमंत्री कोई बनना चाह रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, और उसके कारण बिल्कुल यह राज्य भगवान भरोसे चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जहां के मुख्यमंत्री हैं वहां पर हालात क्या है, जिस जगह का शिलान्यास करने वो खुद जाते हैं, समय भी ज्यादा लग चुका है, पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन इस पुल की हालत ये है कि आंधी चले तो पुल उड़ जाता है और अभी ये पूरा हिस्सा जलमग्न हो गया।